subscribe and press the bell icon to never miss a video from NYOOOZ. किसी ने मुझे पूछ लिया कि हमारे देश में मीटू मूवमेंट क्यों नहीं होता, तो मैंने बोला मीटू मूवमेंट कहाँ से होगा, 10 साल पहले जब मैंने कंप्लेन की थी उसका क्या हुआ, मुझे जस्टिस मिला? सब तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, लोग भी काम कर रहे हैं इन लोगों के साथ, उसको पहले मैटर सॉल्व करो फिर मीटू शीटू बोलना। यहाँ पे इंडिया में ना सबको आदत है, अमेरिका में जो भी होता है उनको कॉपी करना है, यहाँ पे वहाँ के कपड़े कॉपी करने हैं, वहाँ के हेयर स्टाइल कॉपी करना है, वहाँ मीटू हुआ तो यहाँ भी सबने शुरू कर दिया। तुम हो क्या मीटू के लायक? वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम और वहाँ का जो कम्युनिटी है, वहाँ की अवेयरनेस, सोच और विचारधारा मीटू सिस्टम, मीटू मूवमेंट को सपोर्ट करती है। वहाँ के उस देश में ये मूवमेंट तब हुआ जब लड़कियों ने सामने आके बात बोलनी शुरू कर दी। जब तक उन्होंने बोली नहीं थी तब तक सारा कुछ ढका हुआ था, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया पूरे का पूरा पहाड़ गिर पड़ा। लेकिन हमारे देश में लड़कियाँ आदि युग से बोलती आ रही है, लेकिन तुम लोग सुनते नहीं हो। तुम लोग लड़कियों को ही प्रोस्टिट्यूट बना देते हो कि यार तो ऐसी होगी, यार तो वैसी होगी, झूठ बोल रही होगी। सबसे पहला रिएक्शन हमारे देश में जब भी कोई लड़की कुछ भी कंप्लेन करती है, ये तो मैं अभी हरासमेंट की बात कर रही हूँ, असॉल्ट भी होते हैं, अब्यूज़ भी होते हैं और कितनी सारी चीज़ें। एक लड़की अगर आके किसी आदमी पर ये भी आरोप लगा लेना कि इसने मेरी कोई चीज़ चुरा ली, उस पर भी सबसे पहले डाउट उस पर फेंका जाता है कि लड़की सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। तो तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग मीटू के लायक नहीं हो, तुमसे नहीं होगा मीटू यहाँ पे। तो ये अमेरिका को कॉपी करके हमको मीटू करना चाहिए। तुम अगर एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जहाँ पे लड़कियों को लगेगा कि हाँ अगर हम आके कुछ बोलते हैं तो उसका कुछ निकलेगा असर, यहाँ मैं नहीं बोल रही हूँ कि पूरा पहाड़ टूट के गिरना चाहिए, हिला तो थोड़ा सा हिले, एकाध कंकड़ पत्थर तो गिरे, यहाँ पूरा का पूरा पहाड़ वैसे ही फिक्स रहता है, तो कौन आएगा बोलने के लिए?